हेलो दोस्तों, टेक्नो दुनिया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो सब कैसे, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों Xiaomi का जो सब ब्रांड है पोको है ऑलरेडी मार्केट पे आ चुका है दोस्तों, आपको भी पता है। और इसका फास्ट सेल जो था वो भी हो चुका है और जो नेक्स्ट सेल है 5 सितंबर को होने वाला है। दोस्तों अगर आप भी सोचते हैं इस फोन को लेना सेकंड सेल में या फिर और जो नेक्स्ट सेल आने वाला है तो उस सेल में लेना अंडर 21,000। इसमें बहुत कुछ आपको मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 845 का प्रोसेसर, वो भी लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी के, कभी भी आपका सेट को हीटिंग नहीं होने देगा। और 6GB DDR4X रैम के, डुअल ऑडियो का टेक्नोलॉजी और 4000 mAh का बैटरी, तो बहुत कुछ है अंडर 21,000 के अंदर। इसमें जो प्रोसेसर लगाया गया है स्नैपड्रैगन 845 का, वो इस प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको किसी भी फोन पे नहीं मिलेगा जो सीधा टक्कर दे सकते हैं जो मार्केट में अभी है 30,000 के ऊपर, जो है आसुस ज़ेनफोन 5G और OnePlus 6 को। पर दोस्तों किसी के अंदर सब कुछ सही नहीं होता, इसमें भी कुछ कमियां है जो आपको भी जान लेना चाहिए। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोगों को 10 ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा पोको फोन का, जो मैंने फर्स्ट सेल में परचेस करने के बाद महसूस किया, तो आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं। तो अब भी दोस्तों सेकंड सेल या फिर किसी और सेल में जाने के बाद, या फिर आपका दोस्त अगर परचेस करना चाहते हैं या फिर आप परचेस करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहिए और आपका दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिए। जो टॉप 10 मेजर कमियां लगा मेरे को तो आपके साथ शेयर किया हूं, कैसा लगा वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो इस वीडियो में सारी जो कंफ्यूजन आपको क्लियर करूंगा आपको लेना चाहिए कि नहीं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। जो टॉप 10 प्रॉब्लम है वो आज के सारी में डिस्कस कर, एक हफ्ता पूरा यूज करने के बाद जो यूजर एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों को साथ शेयर कर रहा हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो चलो दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह का वीडियो टिप्स ट्रिक्स लेटेस्ट न्यूज अनबॉक्सिंग के बारे में सबसे पहले पता चले, तो चलो जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी और कुछ प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट करके बता सकते हैं। और आपका जितना सारा दोस्त है जो पोको फोन को लेना चाहते हैं तो उनको साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चले, जो जितना सारा उनके मन में अंदर जो कन्फ्यूजन है सभी क्लियर हो जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। तो चलिए दोस्तों फोन पे चलते हैं और उसके बाद ये देख सकते हैं जो पोको फोन है जो मेरे को फास्ट सेल में मिल गया था, तो इसका जो यूजर एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो क्या है क्या कमियां हैं सभी इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग फोन पे चलते हैं और उसके बाद जो इसका सारा जो प्रोसीजर है, क्या क्या कमियां हैं क्या क्या गलतियां हैं सभी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर। Xiaomi का पोको फोन है और ये इसके मैं आज में 10 जो मेजर कमियां है तो वो मैं बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और सेकंड सेल या फिर थर्ड सेल फोर्थ सेल जब भी कोई सेल में लेने चाहे तो ये 10 जो कमियां मैंने बताया तो ये जरूर आपका दोस्त के साथ या फिर आप एक बार जरूर लास्ट तक देख लीजिए इस वीडियो को, उसके बाद ही परचेस करके जा। इसमें दोस्तों बहुत ही कुछ आपको जानकारी मिल जाएगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो सबसे पहला वाला जो है कि दोस्तों इसमें जो है गोरिल्ला ग्लास 3 का थर्ड जनरेशन मिल जाता है। तो इसमें आपको क्या होता है कि ये तो है जो प्रिवेंट कर सकता है स्क्रैच को, पर ये दोस्तों आपको जो है नॉर्मल जो ड्रॉप वगैरह है तो इसमें से आपको जो प्रिवेंट नहीं कर सकता। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों ये सिर्फ अगर नॉर्मल स्क्रैच वगैरह के लिए ही ठीक ठाक है। अगर इसके गिराएंगे तो ऐसे पैकेट से या फिर कहाँ से आपको फ्लोर में गिराएंगे तो 100% बिल्कुल ही टूट जाएगा। बहुत ही नाजुक सा डिस्प्ले है और जितना सारा फ्लैगशिप फोन है, तो ऐसे मैंने ट्राई करके देखा था। अब जो है 21,000 के अंदर गोरिल्ला ग्लास 5 का टेक्नोलॉजी आ चुका है, ये सिर्फ गोरिल्ला ग्लास 3 थर्ड जनरेशन का ही है। तो अब ऐसा मत सोचिए कि गोरिल्ला ग्लास है कि मतलब आपका जो फोन है बिल्कुल सेफ और सिक्योर है, तो इसका मतलब दोस्तों ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत सारा है दोस्तों, मैं आप लोगों को बाद में बता भी दूंगा। तो ये बिल्कुल स्क्रैच को रेजिस्टेंस कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, हल्की फुल्की भी अगर ड्रॉप आ जाए तो ये बिल्कुल जो है स्किन है टूट जाएगा। तो मैंने जो इसका एक्सडे डेवलपर का जो पेज है जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे जाके मैंने देखा, बहुत सारे दोस्तों का ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। और दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसके साथ जो केस कवर वगैरह आते हैं तो ये नॉर्मल दोस्तों हैंड ग्रिप को फील करने के लिए है, ऐसा कुछ खास इसको मदद करने के लिए प्रिवेंट करने के लिए नहीं होगा। अगर इस तरह से गिरेगा तो ये बिल्कुल दोस्तों टूट जाएगा, इसका इसमें कुछ लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो आप ऐसा कोशिश कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में बाइंग लिंक दे दूंगा जो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपका जो है हार्ड केस मिल जाएगा, जो यहाँ पे जो बम रहेगा जो आपको जो प्रिवेंट करेगा इस तरह से ड्रॉप होने से बचाएगा। और इसका जो जरूर टेम्पर ग्लास लगा लेना और पीछे पे बैक कवर जरूर लगा के यूज कीजिए, तब भी आपका जो फोन है टिक सकता है, नहीं तो दोस्तों मैं गारंटी देके बोलता हूँ फोन जो है टूट जाएगा। ठीक है, ये तो पहला वाला हो गया। और सेकंड की बात करें दोस्तों इसका जो दोस्तों नोज डिजाइन है मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, ये वाला वगैरह जो नोज डिजाइन है तो ये नोज डिजाइन थोड़ा सा अलग फोन से, जो जितना सारा मार्केट पे अभी फोन है तो उसमें जो नोज डिजाइन स्टाइल लगा के गया है उसमें से थोड़ा सा वाइड है। इसके में सबको क्या होता है कि बहुत सारा दिक्कतें की सामना करना पड़ता है, ऐसे करके कोई भी अगर नोटिफिकेशन या फिर बैटरी का कुछ प्रॉब्लम आए या फिर बैटरी का अगर कितना परसेंटेज आप देखना चाहते हैं तो ये पूरा यहाँ पे दब जाता है। वेट करना चाहिए Xiaomi का नेक्स्ट अपडेट OTA अपडेट तक, ताकि ये जो है जो एल्गोरिथम है यहाँ का ये थोड़ा सा अगर छोटा हो जाए तो ये भी एक ही जगह पे आ जाएगा, नहीं तो बैटरी के परसेंटेज या फिर जो है नोटिफिकेशन वगैरह देखने के लिए बार बार जो नोटिफिकेशन
पैनल है इसको ड्रॉप डाउन करके देखना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों आप नहीं देख पाएंगे। ये बड़ा नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगा। और यहाँ से जो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो कार पैनल है, ये कार पैनल थोड़ा सा ज़्यादा है, अगर थोड़ा सा नीचे होता तो ज़्यादा अच्छा रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा हेवी है, मतलब यहाँ पे चीन जो है, चीन से कार जो है थोड़ा सा ज़्यादा है, ये देखने में बिल्कुल ऑड लगता है दोस्तों। ये बहुत ही मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगा। यहाँ पे उतना कुछ खास नहीं है पर देखने में बिल्कुल ठीक ठाक नहीं लगता। और यहाँ पे जो है नोच भी देख सकते हैं, थोड़ा सा वाइट देखे गया है, तो उतना अच्छा कुछ खास नहीं है दोस्तों। पर इस प्राइस सेगमेंट के अंदर बहुत ही अच्छा ठीक ठाक है, मैं बताऊंगा, ठीक है। और थर्ड की बात करें तो दोस्तों Xiaomi ने एक बिल्कुल फ्लैगशिप फोन बनाया है, और मार्केट में जितना फ्लैगशिप फोन अंडर 20,000 या फिर 25,000 से ऊपर जितना सारा फ्लैगशिप फोन होता है, उसमें सभी फोन में NFC का जो टेक्नोलॉजी है, मतलब जो दोस्तों ऑफलाइन पेमेंट वगैरह करने के लिए जो NFC टेक्नोलॉजी है वो इसमें यूज करना चाहिए था EMI वालों को, तो बस Xiaomi ने इसमें NFC नहीं दिया है। और एक बात है दोस्तों, इसमें जो है डेडिकेटेड सिम कार्ड स्लॉट आपको नहीं मिलता है, मतलब हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट है इसमें, तो मतलब एट ए टाइम एक सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड, नहीं तो दो सिम इसको इस तरह से लगा सकते हैं, हाइब्रिड सिम स्लॉट आपको मिल जाता है। ये दोस्तों नेगेटिव पॉइंट है। तो इसमें डेडिकेटेड सिम स्लॉट देना चाहिए था, जो अलग से एसडी कार्ड का और दो अलग अलग सिम स्लॉट का देना चाहिए था, ठीक है। तो पर इसमें दोस्तों EMI वालों ने नहीं दिया दोस्तों। और एक नेगेटिव कॉन्टेंट की बात करें तो दोस्तों इसमें जो है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का जितना सारा फैसिलिटी है, जैसे करके मान लीजिए अमेजोन प्राइम हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं अमेजोन प्राइम वीडियो और भी नेटफ्लिक्स, जितना ज़्यादा ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का फैसिलिटी है वो दोस्तों फुल एचडी में आपको नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा दोस्तों फुल एचडी में। वो जो है ओनली दोस्तों 540p पे और या फिर स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो 480p है उसमें आप प्ले कर सकते हैं। अमेजोन प्राइम वगैरह, नेटफ्लिक्स वगैरह और हुलू, इस तरह से जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंटेंट रहता है, तो उसमें दोस्तों फुल एचडी में कंटेंट या फिर 4K में कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा मेन जो रीजन है दोस्तों डिजिटल राइटमेंट, इसका जो मतलब है DRM प्रोटेक्शन। DRM प्रोटेक्शन क्या होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ। एक बेसिकली कोडिंग होता है वीडियो सपोर्ट करने का, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वगैरह जितना सारा कंटेंट पेड कंटेंट रहता है, जैसे करके नेटफ्लिक्स का हो गया, अमेजोन प्राइम का, उन लोग क्या करते हैं कि कंटेंट को DRM प्रोटेक्ट करते हैं। उसके मतलब से क्या होता है कि जो ऑनलाइन प्राइवेसी रहता है वीडियो का, तो मतलब और कहीं पे लीक हो जाना, तो उसमें से प्राइवेसी को सिक्योरिटी करने के लॉक करके रखे, तो इसमें से DRM सपोर्ट करके रखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि L3 जो टेक्नोलॉजी है, तो इसमें सपोर्ट करके गया है, मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं। जो L3 टेक्नोलॉजी है सिर्फ इसमें है, अगर L1 होता तो देखिए DRM इन्फॉर्मेशन करके एक ऐप आता है दोस्तों प्ले स्टोर में, तो ये आप देख सकते हैं वाइड वाइन CDM करके एक जो लाइसेंस है गूगल से दोस्तों परचेज करना पड़ता है। तो इसके मतलब आपको क्या होता है दोस्तों, परचेज नहीं दोस्तों, बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाता है, सिर्फ आपको अपग्रेड करना पड़ता है। ये देखिए इसका सिक्योरिटी लेवल दोस्तों L3 है, मतलब ये L3 अगर L1 L2 L3 इस तरह से, मतलब से आपको क्या होता है कि अगर L1 होता है दोस्तों फुल एचडी या फिर 4K कंटेंट को बहुत ही आसान तरीके से प्ले कर देता, L3 का मतलब दोस्तों स्टैंडर्ड डेफिनेशन 480p और 540p पे ये सपोर्ट करेगा। इसमें से मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कंटेंट फैसिलिटी है ये दोस्तों अभी पोको फोन के लिए जो है फुल एचडी या फिर 4K पे कंटेंट पे नहीं मिलेगा, तो आपको OTA के लिए अपडेट करना पड़ेगा, OTA के लिए वेट करना पड़ेगा, और नहीं तो दोस्तों ये नहीं मिलेगा, शायद नेक्स्ट इन फ्यूचर भी कभी नहीं मिलेगा। जैसे करके 5T जो पुराना वाला OnePlus का फोन था, तो उसमें ऐसी टेक्नोलॉजी था, तो जाके सर्विस सेंटर में उसका अपडेट करना पड़ेगा, तभी जो जाके जो DRM जो प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी है L1 पे वो जाके अपडेट किया। पर शायद नेक्स्ट इन फ्यूचर Xiaomi को इसमें ध्यान देना चाहिए, इसमें से कोई पैसा तो नहीं लगता दोस्तों, गूगल से लाइसेंस बिल्कुल फ्री में मिल जाता है, किसी भी OEM अनलॉक जो सपोर्टर है तो लेना ही पड़ता है। और इसमें अगर L1 ले लेते तो कोई ज्यादा दिक्कतें वाले बात नहीं रहता, फिर भी दोस्तों पोको ने जो है L3 टेक्नोलॉजी यूज किया इसमें, जो जैसे करके फुल एचडी जो स्ट्रीमिंग कंटेंट है सपोर्ट नहीं करता ऑनलाइन पे। और दोस्तों इस फोन का और सबसे बड़ा और जो एक नेगेटिव पॉइंट मेरे को लगा जाए स्क्रीन ब्लेंडिंग का मतलब क्या हो दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जब भी अगर आप कोई दोस्तों अंधेरे में इस फोन को यूज करने जाए, तब जो होता है बहुत सारे यूजर का ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो मेरे दोस्तों ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपका अगर आता है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ किस तरह से प्रॉब्लम आता है। देखिए यहाँ पे जो ऊपर से नीचे तो जो राउंड कॉर्नर है या फिर साइड से लेफ्ट राइट ऊपर नीचे तक, यहाँ से जो हल्का हल्का व्हाइट तरह से जो है लाइटिंग ज़्यादा आता है, इसमें से आपको कंटेंट जो है बिल्कुल स्मैश आउट हो जाता है। मैं कहाँ से आप चेक करेंगे तो आपका डिस्प्ले ठीक है कि नहीं, उसके लिए दोस्तों ड्रॉप डाउन पैनल को डाउन कीजिए, उसके बाद सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, सिंपल आप अबाउट फोन पे जाइए, अबाउट फोन पे जाने के बाद यहाँ पे जो केरल वर्सन है इसके ऊपर 4 से 5 टाइम तब टैप कीजिए। टैप कर देने के बाद यहाँ पे जो डिस्प्ले है, तो सिंपल आप डिस्प्ले के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए टास्क इन टू बिगिनिंग टेस्ट, तो सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए ऊपर से नीचे तक यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा व्हाइट सी अगर यहाँ पे लगे तो मतलब आपका जो डिस्प्ले है कलर थोड़ा सा फेड है, ओरिजिनल कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। देखिए मेरे जो यहाँ पे है तो
बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है मेरे को, आप कमेंट करके जरूर बताएं आपको जो कंटेंट है किस तरह से लग रहा है। देखिए मेरे तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा व्हाइट कलर जो यहाँ पे लाइट है नहीं आ रहा है। तो आपका अगर आ रहा है तो वो भी कमेंट करके बता दीजिए, तो ये इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे यूजर का ऐसा कमेंट आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। और दोस्तों इस पोको फोन पे रूट करने, अगर बूटलोडर अनलॉक करने जाए या फिर रूट करने जाए, उसमें बहुत सारा दोस्तों का ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि जब भी वो बूटलोडर अनलॉक करने जाते तो वहाँ पर जो है नेगेटिव मैसेज आता जाता है, पीसी पे नेगेटिव मैसेज आ जाता है, जैसे कर 720 आवर्स टाइम रिमेनिंग, ऐसे करके बूटलोडर अनलॉक फेल हो जाता है, जैसे करके उन लोग जो है रूट नहीं कर पाते। तो ये बहुत ही बड़ा दिक्कत की बात है। जो ऑफिशियल Xiaomi का जो ट्विटर पेज है तो उसमें कंफर्म कर दिया गया, ओनली पोको फोन के लिए ओनली 3 डेज में बूटलोडर का अनलॉक का परमिशन मिल जाएगा, तो बहुत ही बड़ा खुशखबरी है। तो ये दोस्तों और एक हो गया। और एक दोस्तों की बात करो दोस्तों, यूट्यूब जो है, यूट्यूब बहुत सारा दोस्तों को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था कि यूट्यूब जो है फुल स्क्रीन पे प्ले नहीं होता। तो आप लोगों को मैं मेरा जो वीडियो है प्ले करके दिखा देता हूँ, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा पास में जो यूट्यूब है फुल स्क्रीन पे चल रहा है, तो जैसे करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये वाला देख सकते हैं मेरा एक वीडियो है। तो इसमें से जब मैं ऐसे करता हूँ तो देखिए मेरा फुल स्क्रीन पे यूट्यूब चल रहा है। तो इसके लिए जो प्रॉब्लम आपको होता है कि अब जो लेटेस्ट वर्जन में जो नया अपडेट आ चुका है तो उसमें अपडेट कर लीजिए, तब का ऐसा फुल स्क्रीन वाला प्रॉब्लम हट जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यूट्यूब बिल्कुल फुल स्क्रीन पे चल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से आप बिल्कुल यूट्यूब को जो फुल स्क्रीन पे चला सकते हैं। और दोस्तों और एक बात है कि YouTube या फिर कोई गाना वगैरह प्ले करे तो डुअल स्पीकर, आपको पता है जो यहाँ पे जो एयरपिक है तो इसमें से एक स्पीकर है और नीचे एक वाला एक स्पीकर आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो इसमें से दोनों स्पीकर पे जो है स्टीरियो आउटपुट आपको नहीं मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि इसी स्पीकर से आवाज आता है, तो ये बहुत सारे यूजर का प्रॉब्लम है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो चीज़ है आपका सेट का कोई डिफॉल्ट का प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। सिंपल कोई कोई गाना जो होता है पुराना वाला गाना पे मोनो टेक्नोलॉजी को ऑडियो पे यूज किया गया है, और कुछ कुछ गानों पे अभी जो नया टेक्नोलॉजी आ रहा है गाने में उसमें स्टीरियो टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, जिसके मतलब को क्या होता है डुअल चैनल जो स्पीकर है लेफ्ट राइट वाला, तो इसमें से काम करता है। अगर पुराना वाला कोई गाना वगैरह प्ले करेंगे तो ये वाला लेफ्ट वाला राइट वाला एक साथ दोस्तों प्ले नहीं होगा दोस्तों, मोनो टेक्नोलॉजी पे काम करता है। अगर स्टीरियो होता तो बहुत ही आसान तरीके से दो जो स्पीकर है यहाँ पे और यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से प्ले हो जाता है, मतलब डुअल स्पीकर बहुत ही आसानी से काम करेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। और दोस्तों और भी बहुत सारे यूजर का कमेंट है कि बहुत ही ज्यादा यूजर को जो प्रॉब्लम आता है कि यहाँ पे जो सिम कार्ड और मोबाइल पे जब आइडिया का नेटवर्क का यूज करते हैं तो उसमें जो है प्रॉपर तरीके से 4G को यूज नहीं कर पाते, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका अगर आ रहा है तो कमेंट करके बता दीजिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इस फोन में और जो प्रॉब्लम दोस्तों और लोगों का आ रहा है दोस्तों, मेरा ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप कोई यहाँ पे जो है ऐप वैप वगैरह प्ले करिए या फिर कोई गेम वगैरह या फिर कोई वीडियो देखे तो उसका जो स्क्रीन है दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा यूलाइज हो जाता है। यूलाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये इस तरह से जो है थोड़ा सा यूलाइज हो जाता है, मतलब बिल्कुल जो परफेक्ट कलर है वो नहीं आता। इसका जो एक ही मात्र रीजन है दोस्तों, आप जो है रीड मोड ऑन करके रखे इसके लिए ऐसा होता है। और दोस्तों डिस्प्ले में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इस रीड मोड को अगर हटा देंगे तो बहुत ही आसान तरीके से नॉर्मल मोड पे आ जाएगा। फिर भी अगर आपका नहीं हो रहा है तो वैसे ही लग रहा है तो सिंपल आप क्या कीजिए कि यहाँ पे सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाने के बाद सिंपल आप डिस्प्ले जो है डिस्प्ले सेटिंग्स में जाइए। डिस्प्ले सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्ट्रास्ट एंड कलर का एक ऑप्शन मिल जाता है। सिंपल आप क्या कीजिए कि कूल पे रख दीजिए। देखिए डिस्प्ले आपका जो है पूरा जो बिल्कुल व्हाइट पे व्हाइट, जो ब्लैक है ब्लैक पे ब्लैक दिख रहा है। और वार्म कर देंगे तो देखिए थोड़ा सा यूएलएस आएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो डिस्प्ले का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, इस तरह से सेटिंग चेंज कर देंगे तो ठीक हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो और बहुत सारा दोस्तों को प्रॉब्लम होता है कि जो उनका जो प्ले स्टोर है उसमें जो एसपैलेट 9 है वो एक गेम दोस्तों वो इंस्टॉल नहीं कर पा रहे थे, नॉट कम्फर्टेबल दिखा रहा था। वो जो स्लाइड लोड करके एपीके को डाउनलोड करके इंस्टॉल करता है फिर भी नहीं होता दोस्तों, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है। एसपैलेट 9 जो है 2018 वाला वर्सन ये आपका जो है प्ले स्टोर पर आ गया है। सिंपल इसको मैंने डाउनलोड भी कर चुका हूँ और मैं खेल भी लिया हूँ बहुत देर तक, इसमें कोई भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं आया, बहुत ही आसान तरीके से प्ले हो गया। तो आप मेरे को करके बता दीजिए जो आपका जो है ये सही तरह से चल रहा है कि नहीं, ताकि मेरे को भी पता चल जाए। तो दोस्तों यही था थोड़ा सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन दोस्तों सभी के लिए, पोको फोन का जो नेगेटिव पॉइंट है मैं आप लोगों को बता दिया। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बता दीजिए। तो इसके सिवा छोड़ के कुछ और प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट करके बता सकते हैं मेरे को, ताकि मेरे को भी पता चले और भी यूजर है उनको भी पता चले। और जो नया फोन लेना चाहते हैं तो उनको भी इस वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी थोड़ा थोड़ा जो इसका प्रॉब्लम है तो ये पता चले। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, इस प्राइस सेगमेंट के अंदर ये जो है बहुत ही अच्छा ज़्यादा 21,000 के अंदर 845 का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिलना किसी भी फोन पर अभी जो है मार्केट पर नहीं है, तो ये जाके जरूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और इस फोन के लिए बहुत सारा वीडियो रूट अनलॉक और बूटलोडर का इस तरह से कस्टमाइजेशन का वीडियो आ रहा है मेरे चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारा वीडियो आ रहा है। तो थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, हैव ए गुड डे, बाय।